नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। देश एक बार फिर आरक्षण की आग में झुलस रहा है। इस बार हरियाणा के जाट सड़कों पर हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, जाटों की आरक्षण की मांग कहां तक सही है? किसी भी आरक्षण की मांग अब सही नहीं है और अब वक्त आ गया है कि इस पर बिल्कुल कड़े मन से फैसला ले लिया जाए। देश को तमाशा बनाकर रखा है। राजस्थान में गुर्जर पटरियों पर बैठते हैं और पटरियां उखाड़ते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है। गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण की मांग किस हद तक पहुंच चुकी हम देख रहे हैं। हार्दिक पटेल जेल में रहकर भी अब अनशन हड़ताल का रास्ता अपनाने पर तुले हुए हैं। और अभी जो हरियाणा में हो रहा है, पूरा हरियाणा सुलग रहा है। 3 स्कूल जला दिए गए हैं, 1 बंदूकों की दुकान रोहतक में लूट ली गई है। पूरे हरियाणा में एक तरह से पूरी अराजकता का माहौल है। सरकार की बड़ी नाकामी है कि वो इसको समय रहते भांप नहीं पाई। सेना को देर से बुलाया गया है, दुकानें जल गई हैं, घर जल गए हैं, मंत्रियों के घरों पर पथराव हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग अपनी आरक्षण की मांग को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और खास तौर पर दिक्कत यह है कि जब वो देखते हैं कि एक राज्य में एक जाति द्वारा इस तरीके से सब सरकार को ठप करने की कोशिशों के बाद सरकार को झुकना पड़ा है, ये वोट बैंक बन गया है और इस वोट बैंक के तमाशे ने देश का नुकसान ज्यादा किया है, फायदा कम किया है। एक समय में हमें ये देखा कि इस देश में पिछड़ी जातियों का शोषण हुआ है, सदियों से हुआ है। उसको ठीक करने के लिए सोचा गया 10 साल हम आरक्षण दें, उसकी समीक्षा करें। समीक्षा करने की बजाय इसको वोट बैंक का लॉलीपॉप बना दिया गया है। किसी को भी लॉलीपॉप चुसवाकर आप उसके वोट लेने पर अड़ जाते हैं। जिस जाट समुदाय से इस देश का सेनाध्यक्ष आता हो, वो जाट ये कहें कि हम पिछड़ी जाति के और हमें आरक्षण, वो असल ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनकी तरफ से सोचिए। वो सोचते हैं कि हम गुर्जर हैं, मीणा हैं, इनको आरक्षण मिल गया, इनके आरक्षण मिलने से इनके लोग नौकरियों में बैठे, हमें नहीं मिल रहा। नौकरियां कम है, संसाधन कम है। आप एक रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते से आपके लोग जाकर बैठ सकते हैं तो सभी उस रास्ते पर चलेंगे। आप कह देंगे कि नहीं, योग्यता आधार होगा। जिसके पास पैसे नहीं है उसको हम सहूलियत देंगे, लेकिन उसको पढ़ाई कर योग्यता साबित करनी होगी। जाति आरक्षण का आधार नहीं हो सकती, इसको नहीं होना चाहिए। आंदोलन के नाम पर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, ट्रेनें रोकना कैसे अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? बड़ा अपराध है। पूरे देश को आपने तमाशा बना रखा है, पूरा राज्य आपका बंधक है। आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली की सप्लाई रोक देंगे, राजधानी की सप्लाई रोक देंगे। इससे बड़ी अराजकता और क्या हो सकती है? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? आपकी एक मांग कितनी भी जायज हो, उस पर भी बाद में बहस होगी। आपकी आरक्षण की मांग सही है या नहीं है, अभी तो आप कानून के दायरे में चूंकि कह रहे हैं तो आप कानून का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। अब सरकार को तय करना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि 49-50% से ज्यादा नहीं हो सकता उस राज्य में, तो उसके आधार पर उनको देखना है कि कौन सी जाति को कितना आरक्षण किस राज्य में दिया जाए। फिलहाल कानून में आरक्षण की व्यवस्था है, आप कहते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आप गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप उस मांग को लेकर ट्रेन बंद कर दें, रास्ते रोक दें, दुकानें जला दें, घरों में लूटपाट मचा लें, दुकानें लूट ली गई हैं, आपकी मांग में लूट कहां से आ गई? सामान का सामान गायब कर दिया करोड़ों रुपए का दुकानों से। मुझे लगता है कि इस पूरे तमाशे को तभी बंद किया जा सकता है जब हम इस आरक्षण की विषबेल को ही पनपने से रोक दें। अब आरक्षण हम लोगों के लिए, किसी के लिए भी वरदान नहीं रह गया है, निश्चित तौर पर एक अभिशाप बन गया है। और इस अभिशाप को रोकने का एक ही उपाय है कि हम आरक्षण पैसे के आधार पर, पिछड़ेपन कितना है, अगर आदमी में योग्यता है और वो नहीं पढ़ पा रहा है तो आप पढ़ाई दे दीजिए, लेकिन नौकरी में तो आरक्षण किसी आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा, उसकी डिग्री अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पर वो अच्छी नौकरी भी पा ही लेगा ना अपनी योग्यता के आधार पर। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? अभी तो इसलिए मुश्किल लगता है कि हमने बिहार चुनाव में देखा है किस तरीके से पूरा का पूरा आरक्षण चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया। जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरक्षण को लेकर कुछ विचार अपने रखे, उन्होंने जो भी कहा नहीं कहा, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि उस आरक्षण के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान बिहार के चुनाव में किया है। तो जो आरक्षण खत्म करने की बात करेगा, जो लोग आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण की चाशनी में डूबे रहकर अपनी जिंदगी निकालना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों को उसी में रखना चाहते हैं, वो लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि जो दल इसकी बात करे वो चुनाव हार जाए। लेकिन अब चुनाव हार जाने की कीमत पर भी देश को बचाने के लिए जातिगत आरक्षण से हमें ऊपर उठना ही होगा। तुरंत होता हुआ तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक बलिदान मांगता है, उस बलिदान को देने के लिए कौन सा दल तैयार होगा, सवाल ये है। क्यों नहीं जातिवाद को ही खत्म करने की कोशिशें की जाए? वो हुई नहीं है। आरक्षण ने तो जातिवाद को बढ़ावा दिया है। आरक्षण ने तो बताया है कि एक जाति को इसका लाभ मिल रहा है तो दूसरी जाति तुरंत उसको क्यों नहीं मांगेगी?
जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें ऐसे समता मूलक समाज की रचना करनी होगी जिसमें हम ये सोचना ही बंद कर दें कि कौन किस जाति से आता है। अभी तो आरक्षण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का, हमारे साथ पढ़ने वाली लड़की, हमारे साथ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ कोई भी जो उम्मीदवार है वो किस जाति से आता है, और अगर वो पिछड़ी जाति से आता है जिसको आरक्षण मिला हुआ तो निश्चित तौर पर वो मेरी। तो हम एक ऐसे मुद्दे को लगातार पोषित कर रहे हैं, उसको खाद पानी दे रहे हैं जिसको दरअसल खत्म हो जाना चाहिए था। जातिवाद आरक्षण से तो नहीं खत्म हो रहा, यह पिछले 65 सालों ने हमको बता दिया है। जातिवाद कैसे खत्म होगा यह हमको देखना पड़ेगा। हमें निश्चित तौर पर समाज में समान योग्यता के लिए समान अवसर कायम करने पड़ेंगे, और उन अवसरों का लाभ जब बिना किसी पक्षपात के लोगों को मिलना शुरू होगा, बिना जातिगत आधार के मिलना शुरू होगा, तब शायद हम इस जाति की कुप्रथा को तोड़ने की दिशा में ज्यादा बेहतर कदम उठा पाएंगे। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा में जाटों के आरक्षण आंदोलन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।